दोस्तों आज है मेरे पास ढेर सारे ऑटो डार्किंग वेल्डिंग हेलमेट्स। और वेल्डिंग हेलमेट्स वेल्डर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिससे आप अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर पाते हैं बिना किसी रुकावट के। तो देख सकते हैं बहुत अलग अलग ब्रांड के यहाँ पर वेल्डिंग हेलमेट आपको मिल जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, जिससे आप अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये आप एक ब्रांड है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो यहां पर एनिको ब्रांड है और ये भी एक ऑटो डार्किंग वेल्डिंग हेलमेट है। यहां पर आप इसकी फुल सेंसर डिटेल्स देख सकते हैं। यहां पर इसका सेंसर भी लगा हुआ है और सोलर और यहां पर ग्लास भी है। और ये वेल्डिंग हेलमेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें एक शिकायत ये है, कुछ दिनों के बाद यूज़ करने के बाद इसका जो सेंसर है वो ख़राब हो जाता है, कभी डार्क होता है कभी नहीं होता है, तो इसमें प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर और ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये लॉन्ग यूज़ करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्लास है ना वो यहाँ पर जो सोलर पैनल है जो ग्लास है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी कि 2-3 महीने यूज़ करने के बाद ये ख़राब हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक लोकल ब्रांड जो कि JAS, और ये भी अच्छा है लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें 3 एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर डार्किंग करने के लिए, यहाँ पर क्या डार्किंग कितना देर तक रुकना चाहिए, ये सब एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये भी अच्छा है लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल वर्क के लिए है और इससे आप एक ही तरह के काम कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर आपको एक ही तरीके की वेल्डिंग करना है तो आप इससे कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और इसको अब हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक ही तरह के काम करने के लिए वेल्डिंग हेलमेट है, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का वेल्डिंग अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए है। और यहाँ पर मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ सब, उसके बाद ये भी उसी ब्रांड का है जो कि ये अभी नया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अभी अभी यूज़ हो रहा है। तो ये भी एक है जो कि इसी कंपनी का है। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ ये टोटल के एक वेल्डिंग हेलमेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर टोटल ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा है इस वेल्डिंग हेलमेट को बनाया है और काफ़ी ज़्यादा हल्का है, काफ़ी यहाँ पर जो इसका डार्किंग है जो सेंसर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें भी आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है डार्किंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है ना ये यहाँ पर कुछ इतना है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 9 से लेकर और ये कितने नंबर तक का है, 13 नंबर तक का है, यानी कि 9 से लेकर और 13 नंबर तक का डार्किंग आप एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये बंद हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर 13 नंबर तक ये चला जाता है। तो ये आप इससे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी सभी में है लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक है, इसमें डार्किंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है जो कि इसका ये बॉक्स है। और बॉक्स के अंदर में ये हेलमेट मिलता है और ग्लासेस मिलता है यहाँ पर चेंज करने के लिए जब ये ख़राब हो जाता है। देख सकते हैं ये लगभग ख़राब हो चुका है, तो ये ग्लास मिल जाता है अंदर में और इसको अब बाद में चेंज किया जा सकता है। सिर्फ ग्लास को, सोलर यहाँ पर नहीं मिलता है, अंदर का जो मेन स्क्रीन है जो मेन ग्लास है वो नहीं मिलता है आपको। तो यहाँ पर भी सेंसर इसका बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ये यूज़ हो रहा है लगभग 2 से 3 महीने से और इसमें अभी तक किसी भी तरीके का शिकायत देखने को नहीं मिला है। तो ये टोटल कंपनी का काफ़ी अच्छा हेलमेट है और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके आसानी से इसे बाय कर सकते हैं। तो इन हेलमेट्स को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है और यहाँ पर ऑटो डार्किंग काफ़ी मस्त होता है यहाँ पर, यानी कि जैसे ही आप वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ग्लास है वो डार्क हो जाता है और जैसे ही आप यहाँ पर हटा लेंगे वापस तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल यानी कि ग्लास की तरह हो जाता है, आप उससे कुछ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी का फीचर्स देख सकते हैं कि फ़ीचर्स में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके हेलमेट्स के ऊपर में ऑटो डार्किंग वेल्डिंग हेलमेट। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर किसी भी तरीके का और सवाल हो तो नीचे कॉमेंट्स ज़रूर कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।